स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन फाउंडेशन सम्मानित करने निकली है कोरोना योद्धाओं को। यशपाल देशवाल एक ऐसा नाम है जो समाज सेवी तो हैं, वो प्रशासन के और समाज के बीच एक कड़ी का काम कर रहे थे। वही एक ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जो धुरी बने हुए थे, प्रशासन का कार्य हो, समाज का कार्य हो, संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना हो या दानी सज्जनों से कोऑर्डिनेशन करना हो, उनकी उतनी ही पकड़ समाज पर थी, उतनी ही प्रशासन पर थी। उन्हीं के प्रयासों से कोरोना को हराने में सफीदो कामयाब हुआ। आइए आज उनको जो सम्मान मिला तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, और जो बुजुर्गों से मुझे संस्कार मिले हैं उन्हीं के अनुरूप मैंने कार्य किया है जी। जो मेरे दादाजी होते थे उन्होंने पूरे गांव में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे जी। जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कभी गरीब आदमी का सहारा करके उसे कोई ब्याज का पैसा नहीं लिया जी। जिसके आशीर्वाद से हम 21 भाइयों में से हम 19 भाई सरकारी नौकरी पे आ गए, और उनमें से फौज का भी मैंने आपको बताया, फौज में ब्रिगेडियर तक कर्नल तक हमारे परिवार के गए हैं, जिन्होंने 1962 की, 65 की और 71 की लड़ाइयां लड़ी है। तो क्या समाज सेवा का जो बीज था वो आपके घर से ही अंकुरित हुआ? हाँ, बिल्कुल अंकुरित हुआ। मेरे ताऊजी थे चौधरी नवल सिंह देशवाल, उनको अंग्रेज DSP भर्ती करना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार ने बिल्कुल उनको मना कर दिया कि हमारा बेटा पुलिस में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो आजाद नहीं फौज में जाएगा जी। और उन्हीं संस्कारों की वजह से हमारे परिवार के जो फौज में गए उनका जो आशीर्वाद है, और उन्होंने देश की सेवा की, और यहाँ आपके सामने मैं 88 से सेवा कर रहा हूँ। 87 में सफीदों में आया था जी। और जब से यहाँ सफीदों में जो सामाजिक कार्य किए हैं जी। उनके आशीर्वाद से सारा सब कुछ कर रहा हूँ। लॉकडाउन में ड्यूटी के अलावा भी आप बड़ी तन्मयता से सेवा करते थे, जज्बा था आपके अंदर? इसका जज्बा का तो मैं जो भारत विकास परिषद की जो पहली शाखा सफीदों में थी ना, मैं 89 में उसके साथ जुड़ा था जी। और 89 में उनसे जुड़ने के बाद 11 साल लगातार भारत विकास परिषद ने फरियाई कैंप लगाए थे, वहां से मेरे को जज्बा जागा, और भारत विकास परिषद के उस समय के सदस्यों ने मुझे सामाजिक कार्यों में तन्मयता से आगे जाके काम करना सिखाया। उनमें डॉक्टर बंसल होते थे, डॉक्टर माया गर्ग हॉस्पिटल वाले नरेंद्र गर्ग जी, कपूर सिंह मलिक जी, बाकी सारे सदस्य होते थे। कंचन फाउंडेशन ने आज आपकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं साथ साथ यह भी देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने, चाहे वो बिहार के प्रवासी श्रमिक थे, चाहे अपने वाले जो बाहर से अब मतलब बदली होके यहाँ आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, आप लोग भी उनकी इसी प्रकार से उन लोगों की सहायता कर रहे हैं कि भाई आप लोग आए, आपको खाना कैसा मिला, समय पे खाना नहीं मिला, अगर कोई हमारे है कोई छोटी मोटी गलती होगी तो आप हमें साथ साथ बता देते हो। और कंचन फाउंडेशन ने बहुत बहुत क्षेत्रों में यहाँ काम किया है, मैंने देखा आपका अखबार में भी देखता रहता हूँ, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। थैंक यू जी। और इसमें सबसे जो है ना आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों के साथ ही, जो मेरे घर की दो बहू है ना, इनका भी बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि इन्होंने जब कभी भी धर्मशाला में एक या दो कोई आदमी हुआ जी। चार आदमी तक हुए धर्मशाला में या स्कूल में या हॉस्पिटल में, तो इन्होंने घर से खाना पहुंचाया। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इनका खाना आप होटल से लाओगे या किसी संस्था से करवाओगे, इन्होंने साथ साथ चाय पानी खाना इन्होंने घर से भेजा है। दोनों बहू है जो मेरी है, इन्होंने बहुत ही साथ में लग के काम किया हर दोनों। आपके ससुर जी ने, जो आपके पिता ससुर है, उन्होंने आपको भी श्रेय दिया है कि आप भी सेवा करते हैं, और आप ही थे पीछे तभी वो सेवा कर पाए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पापा एक्चुअली में ऐसे नहीं है कि जैसे ससुर लोग रहते हैं, एक पापा की तरह रहते हैं हमारे, और हम बेटियों के जैसे रहते हैं। आज तक पापा ने जो किया है सब हमारे लिए किया है, और जो समाज सेवक हैं उनमें सबसे ज्यादा पापा का ही हाथ होता है, हम तो पीछे वाली सीढ़ी। आज वो सम्मान मिला है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमारे पापा पे हमें। थैंक यू सर जी। बोलो आप MBA पढ़े हो? आपके पिताजी ने श्रेय दिया है कि जब वो सेवा करने के लिए समाज में निकलते हैं तो पीछे आप लोग होते हैं तभी वो ऐसा कर पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि हम पीछे होते हैं तो ही पापा करते हैं, पापा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं भी, किसी भी कैसे भी हेल्प करनी है तो वो सबसे पहले हेल्प करो, आप उनकी गरीब की है या फिर किसी को सपोर्ट कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप उनकी हेल्प करो,
तो ये मोटिवेशन हमें अपने पापा से मिलता है। पिताजी सेवा करते हैं, कैसा लगता है जब सर? आप बहुत देखते बहुत हैं? अच्छा लगता है। बेसिकली तो ये है कि पिताजी ने हमें श्रेय दिया है, लेकिन जो हम सीखे हैं वो हमें पिताजी से मिला, दादाजी से मिला है, तो हम भी वही कर रहे हैं जो पिताजी ने हमें सिखाया है कि दूसरों की सेवा करो, जहां तक होता है उनकी हेल्प करो। जब आप समाज में निकलते हैं, हाँ बाजार जी में बिल्कुल निकलते हैं, तो आपके पिताजी की सेवा भाव का जिक्र होता होगा, तो बिल्कुल गर्व बिल्कुल महसूस करते होंगे। बिल्कुल बहुत ज्यादा। और उन्हीं के नाम से ये है कि आज तक इतनी खुशी मिलती है कि उन्हीं के नाम से जाना जाता है कि यहाँ ये यशपाल देशवाल जी के बच्चे जा रहे हैं, जी तो बहुत खुशी मिलती है। कंचन फाउंडेशन ने सम्मानित किया आज, कैसा महसूस? बहुत 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 अच्छा लग रहा है सर। ओके।